हाय बच्चों, आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो एक अल्फाबेटिकल चार्ट है कोविड की अवेयरनेस के ऊपर। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इस चीज को हम बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है A to Z की, हमें ये बताएगी कि हमें क्या क्या करना है अच्छे हेल्दी रहने के लिए और हमें क्या क्या नहीं करना हेल्दी रहने के लिए। So we are doing the ABC of COVID safety. A, avoid crowd. Avoid crowd means कि भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहो। B, beware of fake news. तो beware से का मतलब होता है बचना, ठीक है, और fake news झूठी खबरें। बहुत सारे लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, यहाँ वहां कुछ भी हो सकती है बेटा न्यूज पे, कि यहाँ कोविड हो गया, इसको हो गया, वो हो गया। उन सारी चीजों से आपको बचा के रखना है। एक जो सॉलिड सोर्स ऑफ न्यूज है वहां से आपको कुछ पता चले तो चले, लेकिन झूठी खबरों से बचो। सी, क्लीन योर हैंड्स। अपने हाथ साफ करो, ये तो हम रोज सीखते हैं, और अच्छे से करो। डी, डोंट गो आउट। बाहर बिल्कुल नहीं निकलो, बाहर जाने में खतरा है। ई, एम्प्टी द स्ट्रीट्स। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम स्ट्रीट को एम्प्टी कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? घर के अंदर। सो बेसिकली घर के अंदर रहो, गलियों में इधर उधर नहीं जाओ। एफ, फीड द पेट्स। तो अगर आपके घर के अंदर कोई शाम को बिल्ली या एक कुत्ता, कोई ऐसा कोई भी पेट आता है, या आपके घर में भी कोई है, तो उसको थोड़ा खाना दो। ऐसा हो सकता है कि उसको बाहर सड़क पे या गली में खाना नहीं मिला हो। जी, गैदरिंग इज बैड। गैदरिंग का मतलब जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या है आजकल के टाइम में वो बुरी बात। जहां पे आपको लगे दो तीन चार लोग हैं इकट्ठे, वहां बिल्कुल नहीं जाना। एच, हैंड सैनिटाइजिंग। हाथों को एकदम बैक्टीरिया फ्री रखना है, साफ सुथरे। कैसे? बार बार धोने से। आई, इनसाइड द होम। तो हमने क्या पहले बोला, स्ट्रीट्स को खाली कर दो, है ना। ई से था एम्प्टी द स्ट्रीट, आई से इनसाइड द होम, घर के अंदर ही रहना है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना। जे, जॉइन फाइट अगेंस्ट कोरोना। अब जॉइन फाइट अगेंस्ट कोरोना में बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम बैठ के सोचें कि मैं क्या करूंगा जे से जॉइन फाइट, मतलब हमें अपने फैमिली मेंबर्स की, अपनी गवर्नमेंट की, अपने देश की मदद करनी है अपने आप को सुरक्षित रख के। कैसे? हाथ धोना है, भीड़ में नहीं जाना, गली में नहीं जाना, साफ खाना खाना है, ऐसे। के, काइंड टू द नीडी। अब बेटा जिसको जरूरत है उसकी जरूरत थोड़ी सी पूरी करनी, मदद करना। आपके मामले में अब आप छोटे बच्चे हो, कोई आपसे फोन करके होमवर्क पूछता है, या आपसे कोई कुछ खाने को, भाई बहन कोई मांगे, उसके साथ शेयर करो। तो दया दिखलाना दूसरे के प्रति। एल, लर्न अ न्यू स्किल। घरों में आजकल बहुत टाइम है, हम सबके पास बहुत टाइम है ना, तो कुछ एक नई जो भी चीज हो उसको अच्छे से सीखो, और उसको जब आप स्कूल, हम जब भी आपसे मिलेंगे आके आप बता सकते हो, और आप और ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो नई चीजें सीख के। एम, मेडिटेट डेली। मेडिटेशन होता है बेटा अपने आप पे फोकस करना। हम लोग योगा में भी आपको सिखाते हैं ना, थोड़ी सी ब्रीदिंग, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज, थोड़ा एक जगह पे शांत बैठ के आंखें बंद करके, या तो हमने आपको प्राणायाम सिखाया था वो करो, या शांति में 5 से 10 मिनट आराम से बैठो, उसको बोलते हैं मेडिटेट करना। एन, नो हैंडशेक्स। हम हाथ किसी से नहीं मिलाते, आजकल हम सबको बोल दिया है हाथ जोड़ के नमस्ते करो, जिसको मिलते हो कोई और तरीका, हेलो हाय जो तुम्हारा आपका मन है, लेकिन हाथ नहीं मिलाना।
ओ ऑफर हेल्प टू अदर्स, दूसरों की मदद करना, जरूरत पड़े तो उनकी मदद करना, किसी भी तरह छोटी से छोटी मदद करने से अच्छा रहेगा। पी प्रैक्टिस योर पैशन, तो घर में रहकर आपका जो पैशन का मतलब होता है शौक, आपको किसी भी चीज का शौक है, कोई पेंटिंग बनाने का है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने का है, कुछ भी, कपड़े से मास्क बनाने का है, कुछ भी, घर के अंदर बैठ के, अंदर ऐसा नहीं है कि बोलो पैसे दो हमें मम्मी हमें बाहर जाके सामान लाना है क्योंकि पैशन प्रैक्टिस करना है, नो, घर के अंदर की चीजों को यूज करके अपने शौक को बढ़ावा दो, नई चीजें सीखो। क्यू क्वारंटाइन योरसेल्फ, क्वारंटाइन कैसे करेंगे, घर के अंदर रह के दूसरों से अपने आप को दूर रखना, घर के अंदर बंद रहना, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन हो जाना। आर रेगुलर एक्सरसाइजिंग, रेगुलर एक्सरसाइज 24 घंटे के अंदर आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट जरूर एक्सरसाइज करो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी सेहतमंद रहेगी तो आपके पास बीमारी नहीं आएगी। एस सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंस होता है एक बंदे से अपनी दूरी बना के रखना, बेटा अगर घर पे भी हो तो दूरी बना के रखो दूसरे बंदे से, एटलीस्ट 2-1 फुट दूर बैठ के बात करो, और जब बात भी करो तो अपना मुंह मास्क से ढक के बात करो, ठीक है, थोड़ी दूरी बना के रखने से आप लोग ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। टी ट्रैवलिंग इज डेंजरस, अब हमने तो बोला कि गली में ही नहीं जाना, तो ट्रैवल करना तो बड़ी दूर की बात है, है ना, आप सोचो कि बहुत सारी छुट्टियां हो गई हैं, चलो जी घूम फिर के आते हैं, नहीं, घर के अंदर क्वारंटाइन करना है तभी हेल्दी रहेंगे, ठीक है, तो ट्रैवल नहीं करना है। यू यूज मास्क, मास्क मुंह पे हम क्यों लगाते हैं, आप लोगों को पता अभी तक तो चल ही गया होगा ना, हम इसलिए लगाते हैं कि एक तो हम अपने बैक्टीरिया किसी को ना दें और किसी के हम अपनी सांस के द्वारा अंदर ना ले जाएं। तो मैंने देखा है बहुत लोगों को जो नाक को नंगा रख के मुंह ढक के चल रहे हैं, नहीं, नाक और मुंह दोनों, मुंह ढकना है दूसरों के लिए, नाक ढकना है हमने अपने लिए, सो पूरा प्रॉपर मास्क पहनना है। वी विजिट योर डॉक्टर ऑनलाइन, तो बेटा आजकल सरकार ने भी बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज बना दी हैं कि अगर आपको कभी बुखार आ ही जाता है या घर में किसी को आ जाता है बुखार, तो आप डॉक्टर को ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके, आजकल डॉक्टर्स कंप्यूटर पे आके बात कर सकते हैं, फोन पे बात करके आपको दवाई दे सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू वेपनाइज्ड इम्यून सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है, अपनी अंदर की ताकत शक्ति को मजबूत बनाना, वेपनाइज्ड क्या होता है, वेपन होता है हथियार, सो अपनी अंदर की शक्ति को हथियार की तरह मजबूत बना लो ताकि कोई भी बीमारी आपके ऊपर असर ना कर पाए, ये टाइम पे ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे कर सकते हो वेपनाइज्ड अपना इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गुड फूड, क्वारंटीन करके। एक्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर एल्डर्स, आपके घर में आपके बड़े होंगे, मम्मी पापा, दादा दादी, मौसी, कोई भी, उनका अपना तो ध्यान रखना सबसे पहले, लेकिन उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जितना पॉसिबल हो सके, संभव हो सके, उनसे थोड़ा डिस्टेंस रख के हमेशा बात करो, उनको घरों के बाहर बिल्कुल ना खड़े होने दो, ना जाने दो, उनका एक्स्ट्रा ध्यान रखो। व्हाई योर अवेयरनेस इज अ प्रिवेंशन, आपकी जो जानकारी है ना, आपका बचाव है बीमारी से, मतलब आपको जो जो पता है, डूज क्या क्या करना है, डोंट्स क्या क्या नहीं करना, अगर आपको ये सारी चीजों की जानकारी है आप बीमारी से बच जाओगे, है ना, सो अवेयर होना बहुत जरूरी है इस बीमारी के बारे में, वही क्योर है इसका। जेड जीरो फेस टचिंग, तो फेस तो यहाँ
फेस का लिखा है, लेकिन जीरो टचिंग कर दो इसको, कि किसी को छूना नहीं है, बाहर भी घर में भी। कोशिश करो जितना आप दूर रह सकते हो, टच जो होता है ना, पर्सनल टच, किसी का हाथ पकड़ के चल दिए, नहीं करना। कोई सरफेस पे खड़े हैं तो हाथ लगा दिए, नहीं, सरफेस भी ज्यादा नहीं छूने जो होते हैं ना, कोई मेज है, कोई दरवाजा है, कोशिश करो कम से कम। थैंक यू।